पपरवार टायर न्यू डीसी ऑफिस में मंगलवार को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से डीसी नमन प्रेस लकड़ा, डीएसपी संजय राणा के अलावा जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग के कर्मी व पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने कीमती लहू का दान किया। इस मौके पर उपस्थित डीसी श्री लकड़ा ने कहा कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 माह के अंतराल में रक्तदान कर सकता है। कहा कि सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्त की लगातार कमी रहने की सूचना मिलती है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक प्रयास किया गया जिसमें काफी संख्या में कर्मियों ने भाग लिया और रक्तदान किया। डीसी ने कहा कि इस तरह के कैंप का आयोजन आने वाले समय में प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी करने की योजना है ताकि हर जरूरतमंदों को ब्लड मिल सके और ब्लड की कमी से किसी की भी जान नहीं जाए। वहीं डीएसपी संजय राणा ने भी लोगों को अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और लोगों को समय अनुसार रक्त दान करना चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं इस रक्तदान शिविर को योगदान देने के लिए मुख्य रूप से सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, अपर समाहर्ता विल्सन भेगरा, एनडीसी सुदेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार, डीटीओ रोहित सिन्हा, डीपीएल प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर सोहेल अख्तर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, दिनेश खेतान सहित पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद थे। आज हम लोग जिला प्रशासन के सौजन्य से ब्लड डोनेशन का यहाँ पे कैंप लगाए हैं समाहरणालय में और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे विभिन्न संस्थान हैं, प्रेस मीडिया के बंधुगण आप लोग सभी लोग हैं, तो सभी का सहयोग अमूमन हर कैंप में तो रहता ही है। इस कैंप में भी आप सभी की पूरा सहयोग है और उपस्थिति है, लेकिन एक तरह से ये कैंप बाकी कैंप से अलग इसलिए है कि बिना किसी के इनिशिएटिव या बिना किसी के सूचना के या रिक्वेस्ट के हम लोगों ने खुद में सोचा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्कफोर्स जब इतनी बड़ी है, चाहे वो हम लोगों के ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, तो हम लोग खुद से लोगों में एक अपील करते हैं। हमारे जो समाहरणालय सवर के लोग और आसपास के ब्लॉक के लोग हैं उनसे, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज पुलिस लाइन जो हमारे समाहरणालय के सामने है और हमारे समाहरणालय सवर के भी जो इतने सारे स्टाफ हैं और ऑफिसर्स हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लगभग हमारे यहाँ 135 थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं जो जिनका कि ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनको कि रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में जो स्टॉक मेंटेनेंस होता है, चाहे वो ऑनलाइन होता है या डेली वो स्लेट में लिखकर होता है, तो उसमें बिल्कुल ये स्टॉक एकदम निल आ रहा था। तो ये देख के कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है, तो इसी से हम लोगों के मन में एक भावना जागृत हुई कि जब सभी स्वस्थ व्यक्ति, ये आप लोगों के माध्यम से सूचित भी करना चाहूँगा सभी को, कि जब कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीना के अंतराल में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आज ब्लड डोनेशन का मीडिया के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आप अपना ब्लड डोनेट करें ताकि जो जरूरतमंद है उनको खून की आपूर्ति की जा सके। हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की काफ़ी कमी है और बहुत सारे इंजर्ड हॉस्पिटल में आते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड का दान महादान है, आप लोगों से अपील है कि आप अपना खून दान में अवश्य दें। 90 दिनों के अंदर खून खुद ब खुद डेवलप कर जाता है और इस खून देने से आप में किसी भी प्रकार का शक्ति का ह्रास नहीं होता। 65 साल की आयु तक कोई भी व्यक्ति अपना खून दे सकता है।